रही प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर एक्सलेंसी फेवरेट एम्बेसडर एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द थ्री गोजेज कंपनी चाइना मैं आप सबको पहले तो खुश आंदेद कहता हूँ और मैं एक हमारे पाकिस्तान के लिए ये ये बहुत बड़ा आज पहला कदम है बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का और इन्वेस्टमेंट उस उस एरिया के अंदर जिसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत पहले हमें इन्हीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का और बड़ी देर तक पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलती रही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जिस पे जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट भी ऊपर थी हम बर में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे थे और जब हमने ये बहुत बड़ा एक अपने मुल्क के ऊपर एक जुर्म किया कि हम इम्पोट फ्यूल के ऊपर पार पावर स्टेशन बनाना शुरू करने चले जैसी हमने पावर जनरेशन और इम्पोर्ट फ्यू फ्यूल पर की हमारी बिजली की कीमत बढ़ती गई हमारी इंडस्ट्री अनकम्पटिव होती गई हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ना शुरू हो गया और हमारे सामने ये, ये जो सिचुएशन है कि एक तरफ हमारी जब बिजली की डिमांड बढ़ती है तो साथ ही प्रेशर पड़ जाता है हमारे रिजर्व्स के ऊपर और हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में जाना शुरू हो जाता है इसकी वजह से और दूसरी जो प्रॉब्लम्स है ये जो इम्पोर्ट फ्यूल की जो हमने जनरेशन की है उसके अलहदा जो माहौलियात के ऊपर उसका इम्पेक्ट पड़ता है वो एक अलहदा नुकसान है कि हमारी आ, आ, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है पाकिस्तान है बड़ा वनरेबल है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हमारा कोई आठ नौ नंबर पे वो मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है क्लाइमेट चेंज से तो हमारे लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी था कि हम वो प्रोजेक्ट्स बनाते जो क्लिन क्लीन एनर्जी देते हमें और आ, और वो उसके लिए हमें इम्पोर्ट इम्पोर्टेड फ्यूल भी नहीं चाहिए थी तो आज ये जो कु का जो पार प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में जिसकी हमने आज साइनिंग की है और माशाल्लाह एक बहुत रेपटबल कंपनी थ्री गॉजस जो के दुनिया में एक मुकाम अपना रखती है तो ये जो आज इन्वेस्टमेंट है ढाई ढाई अरब डॉलर की ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है बाहर से पाकिस्तान के अंदर आ, 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 किसी भी प्रोजेक्ट में तो इसको तो हम एक तो खुश आमदेद कहते हैं और दूसरा इन मुझे उम्मीद ये है कि ये ट्रेंड सेट करेगा कि आगे जो भी हमारी जो पार जनरेशन जे, होगी वो इसी तरह क्लीन एनर्जी की तरफ हम पूरा जोर लगाएंगे और और जिसमें कि हमें बाहर से फ्यूल इंपोर्ट ना करनी पड़े चाहे कोयला हो चाहे चाहे फाइनस ऑयल हो हमें अपनी या गैस हो हमें अपनी मुल्क की आ, आ, जो भी जो भी उसका फ्यूल हो वो अपने मुल्क से हो इससे जिस तरह मैंने कहा हमारा जो मुसलसल प्रेशर पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर जो नुकसान होता है हम उससे बच जाएंगे और उसके अलावा फिर जो जो माहौलियात के लिए हाइड्रोल्ट्रिसिटी हम सब जानते हैं कि क्लीन क्लीनेस्ट एनर, एनर्जी है आ, और आ, मैं ये आ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इन ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी शुरू होगा और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को वो एक एरिया के अंदर पूरी चेंज कर देगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट सारे इलाके के अंदर एक एक फ़र्क लेके आएगा ख़ास तौर पर जो हमारा पाकिस्तान का मसला हमारा नौजवान आबादी है हमें नौकरियां देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन में भी होगा और जब प्रोजेक्ट चलना शुरू होगा तो तब भी आपके इलाके में नौकरियाँ मिलेंगी थैंक यू